अच्छा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें देखनी है कि हमारी इक्वेशन क्या है। ये है मेरी इक्वेशन, y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस 3x प्लस 1। y इक्वल्स टू नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव साइन डालूंगा, अब फिर x की जगह में -3 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। -3 क्यूब अपॉन टू प्लस 3 इंटू -3 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.5। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 5.5, ठीक है। ये कल की क्लास में हम कर चुके। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, बिकॉज फॉर ड्राइंग अ टेंजेंट ग्राफ बनाना बहुत ही जरूरी है। आप सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो, एट -3y कितना है आपका? 5.5। एट -3y आपका है 5.5। अब एक जी छोटा बॉक्स जो है, जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं, वो 5 है, जिससे मुझे ये समझ आ रहा है कि सर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.2 के बराबर होगा। आप खुद देखो ना, अगर ये 5 है तो ये छोटा बॉक्स कितने के बराबर होगा? 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 और 6। तो मैं जी कहाँ पे ड्रॉ करूंगा टेंजेंट, मैं कहाँ पे लाइन बनाऊंगा? एट -3 एंड 5.5। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर तो हम यहाँ पे बेटा लगा देंगे हमारा पॉइंट कहाँ पे? 5.5 पे। फिर अगला देखते हैं बेटा, -2 और -1, -2 और -1। फिर अगला देखते हैं बेटा, -1.5 और -1.8, -1.5 और -1.8, यानी कि यहां से लेके ये जाएगा यहां तक। जी फिर बेटा अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है? -1 और -1.5, -1 और -1.5। इधर लग जाएगा। फिर बेटा अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है? 0 और 1, 0 और 1 इधर लग जाएगा। फिर बेटा अगला पॉइंट ये बोले 1 और 3.5, 1 और 3.5। बीच में लग जाएगा। फिर बेटा अगला पॉइंट ये बोले 1.5 और 3.5। जी इधर लग जाएगा। फिर बेटा अगला पॉइंट ये बोल रहे हैं 2 और 3, 2 और 3। बेटा ये बोल रहे हैं 3 और -3.5, 3 और -3.5। मैं ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगा। मेरे बच्चे, प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम अपना ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। जी 3 और क्या था हमारे पास? 3 और -3.5, 3 और -3.5। थ्री पॉइंट फोर और 3.5। ठीक है बेटा, फिर इन सबको ड्रॉ कर लेंगे और एक बना लेंगे। ओके ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर लूंगा। ये सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए, ये भी ज्वाइन कर लिया, 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 और ये भी ज्वाइन कर लिया। और हमारे पास लास्ट कौन सा? 3 और -3.5 ना। ये सारा नीचे तक बेटा आ जाएगा इधर तक।
इधर तक हमने ज्वाइन कर। अब ये हमारा पार्ट बी हुआ है, यानी कि इसको करने के बाद मुझे थ्री में से थ्री मिल जाएंगे। फिर बेटा आगे वो बोल रहे हैं, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट एट एक्स इक्वल्स टू टू, यानी कि मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एक्स इक्वल्स टू टू, जहां पे एक्स टू के बराबर है। ऐसे ही है ना, ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं बेटा, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट एट एक्स इक्वल्स टू टू। अब मैं देखूंगा सबसे पहले तो x equals to 2 कहाँ है। सर x equals to 2 यहाँ है, ये रहा x equals to 2, सही है। इस पॉइंट ऐसा मुझे लाइन बनानी है स्केल से कि इस पॉइंट पे सर ड्रॉ हो रहा हो, इधर इसको टच कर रहा हो, इसको टच कर रहा हो। ऐसे करते हुए मैं एक लाइन बना लूंगा। अब इट डजंट मैटर कितनी लंबी, बस एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसमें दो तीन आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। जितनी ज्यादा बड़ी बनाओगी उतनी ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। जितनी ज्यादा बेटा हम बड़ी लाइन बनाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। यहां पे मैं स्केल रखूंगा और इधर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब मुझे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेने हैं। लेट्स सपोज सबसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया बेटा ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया एट एक्स इक्वल्स टू टू, और इसके बाद बेटा मैंने इसका वाई वाली वैल्यू भी देख ली एस। तो इसको देखते हुए मुझे समझ ये आया कि इस पॉइंट पे हमारा x किसके बराबर था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। x था हमारा 1.7 और y कितना है 3.2, 3.4। माजी एक कोऑर्डिनेट समझ आया, क्लियर है बेटा। बेटा क्लियर है? Oh sorry, I was on mute. You took the coordinates 1.7 and 3.4? Yes बेटा। Okay. क्लियर है यहाँ तक समझ आया? जी। फिर मैंने बेटा अगला कोऑर्डिनेट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बेटा मैंने ले लिया यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है इधर। इधर अगर मैं देखूं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि y पे बेटा ये यहाँ तक जा रहा है, x पे यहाँ तक जा रहा है। तो इसको गिनूं तो ये कितने के बराबर है, क्योंकि x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो 10 हैं, टोटल 10, यानी कि एक जो स्मॉल बॉक्स होगा इसके बराबर होगा 0.1 के बराबर होगा। तो ये बेटा हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और 1.2। ये मेरा अगला कोऑर्डिनेट होगा। ये मैंने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। आप पता है क्या गलती कर रहे थे, आपने टेंजेंट ही नहीं बनाया एट एक्स इक्वल्स टू टू। ये जो लाइन है ना ये टच करनी चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू टू पे, जब टच करेगी तो हमारा प्रॉपर टेंजेंट बनेगा। अब मुझे एक ग्रेडियंट जो है वो एस्टिमेट करना है। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन, 1.2 - 3.4 / x2 - x1, 2.6 - 1.7। बेटा इसका ग्रेडियंट निकालो, मुझे आंसर बताओ। 1.2 - 3.4 / 2.6 - 1.7, जल्दी से इसका आंसर निकालो और मुझे बताएं। ग्रेडियंट Wait, but can you show me what I did so I know what I did wrong? I don't understand why my answer wasn't the same because so far. मैं आपको बताता हूँ बेटा आपने क्या गलत किया था। आप अगर अपना देखो ना तो एक चीज आप नोटिस करो, ये जो आपने येलो कलर की लाइन बनाई है ना, ये आपने बनाई है बेटा एट 1.5, यानी कि आपने एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ किया है एट 1.5। आप देखो वो जो टेंजेंट है येलो कलर की लाइन है वो क्या 2 को टच कर रही है? No. इसीलिए आपका आंसर गलत आया था। Okay, understood. हमारे लिए जब टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये लाजमी है बेटा
कि वो जो पॉइंट वो मुझे बोल रहा है उस पॉइंट को टच कर रहा हूं। आप यहां पे देखो, उसने क्या बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू टू, तो आप यहां पे लिख दे नेगेटिव 2.4, नेगेटिव 2.44 आप अपना आंसर लिख दो। क्लियर है बेटा, समझ आया? जी ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब ये वाला जो मैं पार्ट बेटा करा रहा हूँ ना, ये थोड़ा मुश्किल है, पहले एक दफा फोकस करके सुन लेना। कुछ सवाल आओ तो होते हैं वो थोड़े मुश्किल आते हैं, थोड़ा सा सुन लेना तो समझ आ जाएगा। ओके इसीलिए बेटा उसने 4 मार्क का भी ये सवाल दिया। इसको पता है कैसे करना है, इसको मैं स्टेप वाइज करूंगा। पहले तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड एस्टिमेट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब अपॉन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2x। इक्वेशन दे दिया उसने, कहा ये लाइन ड्रॉ करते हुए आपने बताना है कि इस इक्वेशन के पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू 2x। मैं सबसे पहले तो बेटा वो इक्वेशन लिखूंगा जो मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर ली है। कौन सी इक्वेशन की है? ये वाली इक्वेशन की है बेटा। सबसे पहले मैं नीचे इसको लिख देता हूं, y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2 + 3x + 1, नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2 + 3x + 3x + 1, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों को देखता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सर सबसे पहले डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे वाई के बाद एक्स क्यूब से पहले, एक्स क्यूब अपॉन 2 से पहले नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पुट नेगेटिव, मुझे इसको इसके बराबर लाना है, ये जो चीज है ना मुझे इसको इसके बराबर लाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा सर पुट नेगेटिव या मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2 + -1 इज इक्वल्स टू -2x। पहली चीज कर दी। फिर बेटा अगली चीज मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे 3x नजर आ रहा है और जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसमें मुझे 3x नजर नहीं आ रहा। तो हम अगला काम ये करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 3x कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 3x ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3x कर देते हैं, सॉरी ऐड 3x कर देते हैं, ऐड करेंगे 3x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई तो नहीं ऐड कर देंगे, इसको मैं सही कर देता हूँ, वी आर गोइंग टू ऐड 3x ऑन बोथ साइड ताकि दूसरी वाली इक्वेशन में भी 3x आ जाए। तो ये बेटा आपका हो जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2 - 1 + 3x इक्वल्स टू -2x + 3x। अगली चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बेटा मुझे यहाँ पे +1 नजर आ रहा है लेकिन मेरे पास तो -1 है, इसको मैं कैसे सही करूं। मैं ये कर सकता हूँ थर्ड स्टेप में, मैं अगर ऐसे कर दूं +2 ऐड कर दूं दोनों साइड्स पे तो जो नेट इम्पेक्ट आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो +1 आ जाएगा। तो हम ये कर देते हैं ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, अब 2 हम ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 2 - 1 + 3x + 2 इक्वल्स टू -2x + 3x + 2 +3x + 2। राइट हैंड साइड पे भी करूंगा और लेफ्ट हैंड सर साइड पे भी सेम इंपैक्ट लेकर आऊंगा। एक दफा सुन ले फिर आपने जो सवाल पूछना होगा बेटा मैं आंसर करूंगा, ओके लेकिन एक दफा इसको देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 2x + 3x और +2।
अब मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूँ. तो ये हो गया बेटा नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस वन प्लस टू कितना होता है प्लस वन प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू टू माइनस प्लस एक्स टू प्लस एक्स या एक्स प्लस टू बोलते हैं एक ही बात. जी बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं इस इक्वेशन को देखो. देख लिया बेटा इस इक्वेशन को? जी. और ऊपर वाली इक्वेशन देखो जिसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है. क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं? जिसका मैंने ग्राफ बना लिया था क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं? y is equal to x cube upon 2 plus 3x plus 1. क्या मैंने भी बेटा इसको वैसे ही कर दिया? ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ. जी जी. तो मैं अगर इसको रिप्लेस कर दूं विद y तो सही बात होगी? जी. क्योंकि y बराबर है ना इस इक्वेशन के. तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर y equals to 2 plus x. ये मैंने कर दिया. अब मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x भी है एक y भी है. अब मैं आराम से बेटा अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ. क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यही मसला था ना कि सर मुझे y चाहिए था और ऊपर वाले में जो हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिए था उसमें y मौजूद नहीं था सर. तो अब y मौजूद है, अब मैं आराम से कर सकता हूँ. ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई. अब बेटा मैं यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से तीन नंबर्स ले लूंगा. अब बेहतर है जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे नंबर ले लो. नेगेटिव वन वन और जीरो, नेगेटिव वन जीरो और वन. मैंने तीन नंबर्स रेंडमली ले. ग्राफ ड्रॉ करना है कोई भी तीन से चार नंबर आप ले लें ताकि आपका एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ हो. अच्छा अब इसको हम करते हैं वाई टू प्लस माइनस वन टू माइनस वन वन. ठीक है बेटा अब आगे चलते हैं. टू प्लस जीरो टू. इसी तरह टू प्लस वन थ्री. हाँ अब बेटा अब आप बताएं इसको देख के कि कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी कोई मसला तो बताओ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू फिर मैंने बेटा फाइनल कोऑर्डिनेट्स ले लिए. एक तो नेगेटिव वन एक जीरो और एक वन. ये सारे कोऑर्डिनेट्स बेटा मैंने ले लिए. अब मैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स वही सेम ग्राफ पे जाके ड्रॉ कर दूंगा. पहला क्या था सर? पहला कोऑर्डिनेट हमने देखा था नेगेटिव वन पे वन है, जीरो पे टू है और वन पे थ्री है. नेगेटिव वन पे वन, नेगेटिव वन पे वन है, जीरो पे टू है और वन पे थ्री था. वन पे सर थ्री है. अब मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करूंगा जो ये ड्रॉन लाइन को ड्रॉन ग्राफ को ये कट कर रही होगी और ये मेरे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जहां पे बेटा पुराने वाला और नए वाला दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक पॉइंट तो सर हमें ये नजर आ रहा है ये वाला. सर ये लाइन फिर से समझाएं व्हाई यू आर ड्रॉइंग इट. मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ. ये तो मैंने बेटा वो वाली जो नीचे आपके साथ मैंने ड्रॉ की थी ना, एक नेगेटिव वन पे हमारे पास आया, वन पे जीरो पे हमारे पास आया बेटा. वो ये वो वाली लाइन है, सिंपल वो वाली लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर, सिंपल ये वो वाली लाइन है जो मैंने बना. ओके अब मुझे पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए. लेकिन आपको एक बात पता है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो दूसरी वाली इक्वेशन के बराबर है, हमने अभी प्रूव कर दिया. ऐसे ही है बेटा? जी. तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसके पॉसिबल एक्स की वैल्यूज वो होंगी जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइन. यानी कि नया वाला कर्व विल बी इंटरसेक्टिंग विद द न्यू लाइन. तो आप देखो बेसिकली ये तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया माइनस टू जीरो पॉइंट नहीं हाँ हाँ शाबाश माइनस टू एंड माइनस जीरो पॉइंट टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू. देन वी हैव जीरो पॉइंट एट और फिर फाइनली वी हैव वन पॉइंट
1.6. तो मैं वो सारे x की पॉसिबल वैल्यूज बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ. नेगेटिव 2.2, देन वी हैव बेटा 0.8, एंड फाइनली वी हैव ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. ये कितना है? 1.7. ये सारे मेरे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स. क्लियर है बेटा? समझ आया? जी. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया इसको, कॉपी कर लिया. मैं कॉपी कर लिया सारा सॉल्यूशन, कॉपी कर लिया जी. ये पूरा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है. It was a really good question, मुश्किल सवाल था, लेकिन स्कोरिंग है. अगर स्टेप्स याद रहेंगे आराम से स्कोर कर सकते. अगर कुछ भी पूछना है माजी से रिलेटेड तो पूछ लो. No sir, I think आप अभी जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो I'm just gonna watch the last part a few more times to get it to sit in my head or फिर I'm gonna attempt a question. सही है बेटा, सही हो गया. अब आगे चलते बेटा. ये वाला अटेम्प्ट करवाऊं या ये वाला आप खुद कर लोगे? सर ये तो मैंने कर लिया था, आपने चेक किया होगा. हाँ मैंने चेक किया था, सही है. सर ये वाला वो आपने नहीं, ये भी मैंने किया था. ये गलत किया. ओह पार्ट ए शायद आपने सही किया था जब मैंने चेक किया था, लेकिन बाकी पार्ट्स गलत. है इसको पढ़ते हैं. यहाँ पे बेटा क्या बात हो रही? यहाँ पे बेटा बोल रहा है तारा हैज दीज 10 नंबर कार्ड्स. तारा के पास ये 10 नंबर कार्ड्स हैं, जिसपे पहले कार्ड पे 1 है, दूसरे कार्ड पे 2 है, तीसरे कार्ड पे 3 है, चौथे कार्ड पे 4 है, पांचवे कार्ड पे 5 है, छठे कार्ड पे 6 है, सातवें कार्ड पे 7 है, आठवें कार्ड पे 8 है, इसी तरह 9 ऑफ 10. ये 10 नंबर कार्ड्स. अब वो कह रहा है she takes one of the 10 cards at random. Find the probability that the card shows a square. Square number क्या होता है? Square number 1 हो सकता है, square number 4 हो सकता है, square number 3 3 9 हो सकता है, या आपके possible square number हो सकता है 1, 4 और 9. ये possible हमारे square number सर हो सकता है. वो पूछ रहे हो कि probability क्या है कि जो उसने कार्ड चूज किया था, जो उसने कार्ड पिक किया था वो स्क्वायर नंबर है. पॉसिबल आउटकम सिर्फ 3 है, टोटल आउटकम हमारे पास 10 है. तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी फॉर अ स्क्वायर नंबर विल बी इक्वल टू 3/10. प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी बेटा 3/10. ये समझ आया बेटा? जी सर. आपने भी मेरे ख्याल से यही लिखा था जी. फिर आगे बेटा वो क्या बात कर, आगे बेटा वो बोल रहे हैं तारा टेक्स वन ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम. मतलब इन 10 में से कोई भी एक कार्ड उसने रैंडमली पिक कर लिया. वन ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम. नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट. उसने नंबर अपने पास किसी पेपर पे नोट किया और वो कार्ड को वापस रख दिया, रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया. यानी कि उन 10 में से कोई भी एक कार्ड उठाती थी और उसको वापस रख देती. अब वो पूछ रहे हैं वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स, बोथ का मतलब है वो दो कार्ड्स उसने उठाए होंगे, शोज मल्टीपल्स ऑफ 4, शोज मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 अगर आप देखो तो मल्टीपल ऑफ 4 बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 2 टू 4 होता है, और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 टू जा या 2 4 जा 8 होता है. तो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास 2 है. लेकिन अब उसने ये नहीं बोला कि रेंडमली उठा लिया फिर उसने उसको वापस नहीं रखा. वो कह रहे उठा के उसने वापस रख दिया, एक दफा कार्ड उठाया फिर उसने वापस रख दिया. अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 है, पॉसिबल आउटकम हमारे पास 2 है. पहली दफा उठाया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/10. फिर जब दूसरी दफा उठाया होगा इट्स आल्सो गोना बी 2/10 बिकॉज़ द
It's not getting any lesser. She's putting it back. Yes. She's putting okay. it back. Agar wo kehta without replacement, फिर मैं कह सकता था कि यार सही है without replacement है तो जाहिर सी बात है कि 2/9 हो जाता. अगर ऐसे हो या 1/9 हो जाता, फिर वो question में depend करता. लेकिन वो तो replace कर रही है ना वो, she's putting it back. तो इसलिए ये नहीं होगा. तो हमारे पास आ जाएगा 4/100. तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ, उसने बोला है give your answer as a fraction in its lowest term. यानी कि आपने जो बेटा अपना आंसर देना है ना वो लोएस्ट टर्म्स में देना है. यू हैव टू गिव योर आंसर इन लोएस्ट टर्म्स. तो मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि पेपर टू है, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ. बताएं बेटा 4/100 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है? 2/50. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1/25. आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, 4/100 करो. मुझे फ्रैक्शन में आंसर बताना. तो मैंने आपको अभी अभी बताया, अभी तो कैलकुलेटर के बगैर 2/50 है. गलत है ना, लोएस्ट फ्रैक्शन में बताने बेटा. 2/50 भी डिविजिबल है. 2 1s are 2, 2 25s are 50 होता है. निकालो कैलकुलेटर. हाँ तो 1/25 है. 1/25, 2/50 is wrong answer. 1/25 is a correct answer क्योंकि उसने lowest fraction में मार्क है. फजूल में एक मार्क कटवा के क्या मिलेगा? समझ आई बेटा बात? जी. एक मिनट, मैं आपको कॉपी कॉपी करें, कॉपी करें. ओके. तारा टेक्स टू ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स शोज अ नंबर ग्रेटर देन 7. इधर ना बेटा सवाल को समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है. इधर उसने पता है क्या बात की है? इसने बोला है कि यार कोई भी दो कार्ड उसने एट रेंडम पिक कर लिए हैं उन 10 कार्ड्स में से, कोई रिप्लेसमेंट उसने नहीं, उसने रिप्लेस रिप्लेस नहीं किया. ही डिडंट डू एनी रिप्लेस. मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दो कार्ड्स में से एटलीस्ट एक कार्ड जो है आपका वो ग्रेटर देन 7 है. एटलीस्ट एक कार्ड जो है आपका वो ग्रेटर देन 7 है. अब मैं देखता हूँ कितने ऐसे नंबर हैं जो ग्रेटर देन 7 है. ग्रेटर देन 7 में हमारे पास सर 8 आ जाता है, हमारे पास सर 9 आ जाता है, हमारे पास सर 10 आ जाता है. तो मुझे समझ ये आई कि बेसिकली 3 ऐसे कार्ड्स हैं विच आर ग्रेटर देन 7, विच आर ग्रेटर देन 7. ये बात मुझे क्लियर हो गई, ये बात मुझे समझ आ गई. At least one of the cards shows a number greater than 7. At least one of the cards shows a number greater than 7. Greater than 7 hai beta, to main kya karunga? Main yahan pe likh dunga 3/10, क्योंकि तीन ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो ग्रेटर देन 7 हो. सही है, क्लियर है बेटा? मान लिया यहां तक क्लियर है, समझ आई बात? जी सर. फिर नेक्स्ट नंबर जो हमारा होना चाहिए है, अब आप बताओ मुझे आपको क्या लगता है नेक्स्ट नंबर बेटा क्या होगा? At least one of the cards. So the next card is gonna be, since it's without less than 7. Shows a number greater than 7. My mistake. So if there are three numbers that are greater than 7, but it's without replacement, that means it's 2/9. Shabash.
ये हमारे पास आ देखो, ये पूरे क्वेश्चन में सिनेरियो क्या हो रहा है, पूरे क्वेश्चन में बेटा ये हो रहा है सिर्फ कि हम सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और पॉसिबल क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो आपको दे सकते हैं। एक तो कार्ड का सवाल दे सकता है, हेड टेल्स का सवाल दे सकता है, टॉसिंग अ कॉइन का सवाल वो आपको दे सकता है, डाइस का सवाल वो आपको दे सकता है, या इस तरह से सवाल दे सकते हैं। टाइल्स का एक सवाल हमने अटेम्प्ट और किया था जिसमें टाइल्स की बात कर रहा था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ था अगर आपको याद। इस तरह से कोई भी बेटा वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी आपके पास सवाल आ सकता है और उसको देखते हुए आपने अटेम्प्ट करना। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। हमारे पास जैसे फर्स्ट वाले में आपने देखा स्क्वायर नंबर था, तो स्क्वायर नंबर में आपने सबसे पहले तो करने का तरीका क्या, सबसे पहले तो मार्क कर लिया यार स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, पॉसिबल आउटकम हमारे पास 3 हो गया, टोटल आउटकम क्या है 10 है, 3/10 हो गया। इस तरह करके बेटा मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। अब एक और चीज माजी मुझे आपको बतानी है, मैं वो आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ बेटा, वो ये है, अगर कभी मैं आपको एक सवाल दे दूं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ये इस तरह की गलती करते हैं और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बेटा एक सवाल दे दिया, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 9, आप मुझे क्या एक्स की वैल्यू बेटा बता सकते हो? हाँ सर। क्या होगी एक्स की वैल्यू? 3, राइट? आर यू श्योर? हाँ, बिकॉज इन ऑर्डर टू रिमूव द अंडर रूट फ्रॉम एक्स यू नीड टू डू अंडर रूट ऑन 9 एज वेल, सो विल। अच्छा अच्छा, कॉमन सेंस की बात बताओ, आप कह रहे हो एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो अगर मैं x की जगह 3 लिख दूं तो क्या अंडर रूट 3 9 के बराबर होता है माजिया? वेट, अंडर रूट 3, नो नो, 9 तो फिर अंडर रूट x 3, x जो है वो 3 के बराबर कैसे हो सकता? So if you gave me this equation under root x is equals to 9, then the way to solve it, and what I know, the way to solve it is ke 9 ke upar bhi under root and put another under root on top of x so that they cancel each other, or 9 ka under root 3 hota hai, right? Chalo theek hai, hum aise karke dekh lete hain, hum beta isko aise karke dekh lete hain, x under root और अंडर रूट के ऊपर भी आपने अंडर रूट डाल दिया, ठीक है, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर हो गया और अंडर रूट 9 हो गया। Doesn't it cancel then? फिर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, फिर तो ये बराबर होगा बेटा 3 के, तो x अगर 3 के बराबर हो तो आंसर आपके पास 9 थोड़ी आएगा, तो इक्वेशन ही मैच नहीं कर रही, तो आंसर 9 होना है। नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा इसको करने का क्या तरीका हो। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है बेटा, दूसरी स्टार्ट कर ले। ओके।